नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ में बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से दहाड़ा है। यहां आतिक अहमद के गुर्गे के अपार्टमेंट का अवैध हिस्सा गिराया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान एलडीए के अधिकारियों के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद थी। कल ही एलडीए वीसी ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर आतिक अहमद के गुर्गे के अपार्टमेंट पर बाबा का बुलडोजर चला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण पर लगातार बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी माफिया, कोई भी गुर्गा बख्शा नहीं जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ बाहुबली आतिक अहमद के गुर्गे के साथ, जिसके अपार्टमेंट का अवैध हिस्सा गिराया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान एलजीए के अधिकारियों के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद थी। कल ही एलजीवीसी ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके तहत आज कार्रवाई की गई। बता दें कि आतिक अहमद के गुर्गे के अपार्टमेंट पर बाबा का बुलडोजर चला है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी कितने और ऐसे गुर्गे हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है जल्द? देखिए, कल ही जो है एलडीए एनबीसी ने अवैध इमारतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फिर गिरा चुका है। जिनमें आतिक अहमद के जो गुर्गे हैं, इनमें जो अपार्टमेंट का जो अवैध हिस्सा है वो गिराने पहुंचाने के लिए बुलडोजर पहुंचे थे और एलडीए के इसमें कर्मचारी थे, एलडीए के अधिकारी थे, तमाम लोग मौजूद थे, वहां पर मीडिया भी मौजूद थी। अवैध निर्माण कराकर कार्रवाई करने पहुंचे बुलडोजर ने जो कार्रवाई की है उसमें बलविधर अपार्टमेंट जो सीतापुर रोड में है उस पर इनको गिराया गया है, जो मध्यगंज थाना क्षेत्र में आ रहा है। अभी और भी जानकारी मिल रही है कि जितने और भी गुर्गे हैं, और भी जितनी अवैध संपत्तियां हैं, और भी जितने जो अपूर्व संपत्ति बनाई गई है, वो लखनऊ में हो, चाहे वो आजमगढ़ में हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो, जहां जहां पर भी उनकी संपत्ति निकलेगी, जहां जहां पर भी उनकी अवैध संपत्ति आएगी, वहां वहां पर बुलडोजर की प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि लखनऊ में ये प्रशासनिक कार्रवाई कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है और आज फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। तो जाहिर है कि अभी इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो भू माफिया है, जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है और इस तरीके की कार्रवाई लगातार अभी चलेगी और एलडीए प्रशासन उसका खाका भी तैयार कर रहा है और कुछ ऐसे अवैध होटल हैं जिन पर भी ये कार्रवाई हो सकती है, उसकी भी सूची लगातार तैयार की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि अवैध निर्माणों पर लगातार एक्शन जारी है और बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसे ही हुआ आज बाहुबली माफिया आतिक अहमद के गुर्गे के साथ, जिसके अवैध निर्माण पर, अवैध अपार्टमेंट ये बताया जा रहा है, बुलडोजर चला है और आगे लंबी फेहरिस्त प्रशासन के हाथ में है। जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को अधपका भोजन परोसने और चावल और पूड़ियां शौचालय में रखने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी ने खबर का संज्ञान लेते हुए एसडीएम वित्त और राजस्व रजनीश कुमार मिश्र को जांच करने के आदेश दिए। वहीं इस मामले में जिला क्षेत्रीय खेल अधिकारी निलंबित कर दिया गया है। उधर एडीएम वित्त और राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने स्टेडियम पहुंचकर खेल अधिकारी से बात की और स्पष्टीकरण देने को कहा है। दूसरी ओर खेल निदेशालय ने डीएम से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिकाओं की कबड्डी प्रतियोगिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हो रही थी। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन 16 सितंबर को खिलाड़ियों को परोसे गए दोपहर के भोजन में अधपके चावल परोसे गए। जब खिलाड़ियों ने अधपके चावलों पर सवाल उठाया तो भोजन बनाने वालों ने चावलों की परात उठाकर शौचालय में रख दी। शौचालय के भीतर ही फर्श पर एक कागज के टुकड़े पर कुछ पूड़ियां रखी मिली। इसके अलावा रोटी नहीं मिलने की वजह से कई खिलाड़ियों को सब्जी और सलाद से ही पेट भरना पड़ा। सर, जैसा आप लोग अवगत होंगे कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज आए थे, यहाँ पे अम्बेडकर स्टेडियम में यहाँ पे कबड्डी प्रतियोगिता चल रही थी। इस कबड्डी प्रतियोगिता में कुछ अव्यवस्थाओं के संबंध में कि खिलाड़ियों को जो खाने वाने का सामान दिया गया था वो शौचालय के आसपास रख करके दिया गया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी गठित करके मुझे जाँच अधिकारी बनाते हुए 3 दिन में मुझसे रिपोर्ट मांगा है, जिसके क्रम में आज मैं यहाँ पर मौके पर जाँच करने के लिए आया हूँ। मेरे साथ मेरी अपनी टीम है और यहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी हैं जिनका बयान लिया जा रहा है, कुछ कोचेस भी हैं उनके भी बयान लिए जा रहे हैं, तथा जिन जो जगहें उस वीडियोस में दिख रही थी उनका आज मेरे द्वारा मुआयना किया गया है। और अब मैं यहाँ पे जो खिलाड़ी प्रतिभाग किए हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17 टीमें आई थी, उन 17 टीमों के खिलाड़ियों और कोच का मैं नंबर एकत्रित करने का इनसे प्रयास कर रहा हूँ ले करके, और उनके बयान और उनके फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुशील कपिल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सहारनपुर का एक पूरा मामला है और आरोप ये लग रहा है कि जो खिलाड़ी थे उन्हें अधपका भोजन दिया गया है। इतना ही नहीं, जब उन्होंने इसको लेकर सवाल किया तो खाना जो है वो शौचालय में रख दिया गया। बताना चाहूंगा, मामला 16 सितंबर का है, जहां पर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में प्रतियोगिता चली गई थी। वहां पर जब खिलाड़ी को खाना दिया गया तो कच्चा और पका और दुर्गंध वाला दिया गया। इसको ये वीडियो वायरल होगी, इसको लेकर डीएम साहब ने इसकी जांच के आदेश दिए। जी, और इसको आगे प्रशासन द्वारा क्या कुछ कहा गया है? जो प्रतियोगिता थी क्या वो पूरी हो चुकी है? जी जी, पूरी हो चुकी है। उसके बाद ये जो रजीश कुमार मिश्रा ने इसकी जांच की है और जो स्टेडियम के जो उनको भी निलंबित किया गया है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। रायबरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार पुलिस के लिए चुनौती बने अपराधियों पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े हुए अपराधियों के पास से 2 अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, लूटी हुई सोने की चेन और नकदी बरामद की है। मदरसों का कायाकल्प बदलने और बेहतर शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए शासन के निर्देश पर मदरसों का सर्वे शुरू हुआ। गोरखपुर में भी इसी कड़ी में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में गैर मान्यता प्राप्त कई मदरसों का सर्वे किया गया। गोरखपुर के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। गोरखपुर में कुल 283 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। हमारे पास उन मदरसों की सूची है जो मान्यता प्राप्त होते हैं। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी सूची नहीं होती, उनके बारे में जानकारी की जा रही है और लगातार सर्वे भी चल रहा है। शासन के पास कोई भी इस तरह का अभी तक डाटाबेस नहीं था कि कौन कौन से मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। क्योंकि जो भी मदरसों का रिकॉर्ड है या उनकी जो अभिलेख हैं वो सिर्फ मान्यता प्राप्त मदरसों का ही है, इसलिए बार बार ये प्रश्न उठता था कि मतलब कितने ऐसे भी मदरसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं, उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। इन सबको लेकर के शासन द्वारा निर्देश हुआ कि जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उनका भी डाटा संकलित किया जाए और उनका सर्वे करके एक निर्धारित प्रारूप पर सूचना एकत्रित किया जाए। उसी क्रम में जनपद गोरखपुर में भी तहसीलवार टीमें गठित की गई हैं और उन टीमों द्वारा ये एक एक मदरसों की जानकारी इकट्ठा करके और उनका जो बिंदु है 12 बिंदु उस पर सर्वे करके डाटा एकत्रित किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग इस अलदादपुर में मदरसा कादरिया तजबुल कुरान पर आए हैं और इनके जो जिम्मेदारान हैं उनसे विभिन्न बिंदुओं पर सूचना एकत्रित किए हैं और उसको अब हम लोग कंपाइल करके रिपोर्ट ऊपर प्रेषित करेंगे। अमेठी में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार है। नेशनल कैडेट कोर की 92वीं बटालियन देवरिया में रसिया कोठी के बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परिसर में सोमवार से 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। कमांडेंट ऑफिसर संदीप सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण हर साल शिविर लगाकर कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बार का शिविर भाटपा रानी क्षेत्र के रसिया कोठी के बुद्धा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परिसर में शुभारंभ किया गया। ये शिविर 8 दिवसीय है, जिसमें लगभग 20 विद्यालयों के एनसीसी कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। 52 उत्तर प्रदेश एनसीसी बटालियन देवरिया का एक वार्षिक केंद्रीय कैंप है, जो कि साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही होता है। इसमें सर्टिफिकेट बी और सी में अपीयर होने वाले और उसके एग्ज़ाम में अभ्यर्थी जो आते हैं उनकी परीक्षा की तैयारी होती है और उनके जितने भी विषय हैं, जिसमें कि उनका ड्रिल WT मतलब वेपन ट्रेनिंग और शूटिंग मतलब फायरिंग और इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो सब इनमें यहाँ पे सिखाए जाते हैं। बाकी उनको कम्युनिटी लिविंग, किस तरह से एक समाज में रहना है और किस तरह से एकता और अनुशासन बना करके रहना है, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। जालौन में पुलिस ने साइबर गैंग का पर्दाफाश किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ATM कार्डों की अदला बदली और
डिकोड कर साइबर फ्रॉड करते थे। पुलिस और 5 बदमाशों की तलाश में जुटी है। पुलिस को आरोपी के पास से 6 एटीएम कार्ड और एक अर्टिका कार भी बरामद हुई है। शादी का लड्डू खिलाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर के एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अपने गिरोह जनता के भोले भाले लोगों को शादी का लालच देकर उससे मोटी रकम ऐड कर धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से शादी करते थे और कुछ दिन बाद लड़की से गलत आरोप लगवाकर अधिक पैसे ऐंठते थे। ये गिरोह प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं कर चुका है। थाना चिलकाना पुलिस ने एक गिरोह पकड़ा है जिसमें महिलाएं भी हैं और इनका काम है, इस गिरोह का काम है कि गाँव में जाते हैं और वहाँ पे रेकी करते हैं और उन्हें पता लगता है कि कोई लड़का शादी करने का इच्छुक है तो उसको अपने उससे बातचीत करके फंसाते हैं कि उनके पास एक लड़की है, सुंदर लड़की है, उससे उसकी शादी करा देंगे। तो इसमें ही इन्होंने अभी एक पचकुआ के व्यक्ति से शादी करवाई है और शादी के एवज में 3 लाख रुपया भी लिया है और फर्जी प्रमाण पत्र भी दिया है उसको शादी का, दोनों का शादी का। शासन के निर्देश पर हरदोई में लगातार मदरसों का सर्वे जारी है। सर्वेक्षण टीम ने शहर के सबसे बड़े और सबसे पुराने अशरफुल मदारिस दाऊदुल हक मदरसे में पहुंचकर सर्वे किया और मदरसे की फंडिंग, भवन, जमीन समेत 12 बंधुओं पर मदरसे के संचालक से पूछताछ की। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने मदरसे से संबंधित दस्तावेज भी खंगाले। इस दौरान टीम को पता चला कि मदरसा मजलिस दाऊदुल हक नाम की संस्था चलाती है और अवामी चंदे के जरिए इसको संचालित किया जा रहा है। हालांकि सर्वे टीम पूछताछ में मोटे तौर पर मदरसे की व्यवस्थाएं ठीक ठाक मिली। काशीपुर क्षेत्र के सहकारी साधन समितियों पर धान की खरीद न होने से क्षेत्र के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पंजीयन के बाद किसानों के धान की खरीद नहीं होती थी जिसको लेकर किसानों ने समय समय पर अपना विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन इस बार धामी सरकार ने किसानों की फसल की खरीद को लेकर ठोस रणनीति तैयार कर ली है जिसका उसी को लेकर प्रशासन भी क्षेत्र के किसानों की सुविधाओं के लिए क्रय केंद्र लगाने शुरू कर दिए। साथ ही किसानों के पंजीकरण भी शुरू हो गए। इसी को लेकर SDM काशीपुर प्रताप सिंह ने किसानों से अपील की कि वो सभी किसान जल्द से जल्द अपना रिजर्वेशन करा ले जिससे अपनी धान की फसल सरकारी मूल्य पर खरीदी जा सके और समय से इसका भुगतान किया जा सके। माध्यम से सभी को अपील भी करना चाहता हूं कि जिसको भी धान खरीद बेच करनी है तो जो मंडी के थ्रू और जो हमारे धान विक्रय और क्रय के केंद्र बनते हैं तो इसके पहले इस बार रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी होना है तो हर गांव में हमारे तरफ से कैंप भी लगाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले समय पे ताकि हम समय पे उसका सत्यापन करा सकें और क्रय विक्रय करने में उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ऋषिकेश के शिवाजी नगर में अवैध रूप से रिफिलिंग किए जा रहे 11 कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर पुलिस ने एक घर से पकड़े हैं। इस दौरान रिफिलिंग का काम करने वाले मौके से फरार हो गए जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। लीज खत्म होने के बाद IDPL की भूमि पर जैसे तैसे वन विभाग कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, वैसे वैसे IDPL की आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों के बेघर होने की आशंका प्रबल होती जा रही है। बेघर होने के डर से लगातार कॉलोनी के लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलोनी के निवासी सरकार से केवल एक जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार बेघर करने के बाद सरकार ने उनके लिए क्या निर्णय लिया है। इसको लेकर IDPL की आवासीय कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय पहुंचे। सभी लोगों ने मिलकर कैंप कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।